दोस्तों, मीडिया खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में लगभग 8000 लेखपाल पदों पर नियुक्तियां होने जा रही है, जिसकी अधिसूचना जल्द ही आने की संभावना है। लेखपाल के पदों पर होने वाली नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएंगी और राज्य सरकार इन पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दे रखा है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नौकरी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिल सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत जल्द प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2021 का नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में जारी करने वाला है। सीएम योगी ने कुछ दिनों पहले था कि उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के तहत प्रारंभिक परीक्षा शीघ्र आयोजित कराए, परीक्षा पूरी तैयारी के साथ कराई जाए और परिणाम भी जल्द घोषित हो। आपको बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े हजारों पदों को भरा जाएगा। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा यानी पीईटी होगी और इसके बाद भर्तियों के संबंध में विज्ञापन निकाल कर आयोग आवेदन लेगा। पीईटी का स्कोर एक साल के लिए मान्य होगा। इस परीक्षा का आयोजन साल में एक बार होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम तय हो गया है। परीक्षा पाठ्यक्रम संबंधी आदेश जल्द जारी कर दिया जाएगा। विभिन्न विभागों की विशिष्ट जरूरतों व सेवा नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार पीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा कराई जाएगी। पीईटी परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सवाल का गलत जवाब देने पर निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था होगी। एक सवाल गलत होने पर आपका 1/4 अंक कटेगा। और दोस्तों, जैसे ही इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई भी जानकारी आएगी तो हम आपको अपने चैनल पर वीडियो के माध्यम से और अपने टेलीग्राम अकाउंट पर सबसे पहले बता देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें।